अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बदर है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मेरा टॉपिक है PTW, परमिट टू वर्क सिस्टम। ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हुए इश्यूज क्या आते हैं, मसाइल क्या आते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट को। सबसे पहले परमिट टू वर्क सिस्टम ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी वर्थ क्यों है। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो रहा होता है उसका आपको नॉलेज होता है। कोई एक्टिविटी, लेट्स सपोज कहीं पे कोई वेल्डिंग हो रही है, वर्क एट हाइट काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी हैजर्डियस एक्टिविटी हो रही है हाई रिस्क, तो आपके नॉलेज में होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट के। इसका बेनिफिट सेफ्टी डिपार्टमेंट को पहले इत्माद में लेता है कोई भी डिपार्टमेंट जब भी कोई काम करता है। ये मैं बड़े ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, परमिट टू वर्क सिस्टम। फिर उनकी स्ट्रेंथ का पता होता है, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस लोकेशन में कौन सी एक्टिविटी हो रही है। इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर, कौन कौन से काम कर रहे हैं, क्या वो कैपेबल हैं कि नहीं, टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, ये सारा परमिट टू वर्क सिस्टम आपको बता देता है। लेट्स सपोज पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पे लोग समझते हैं क्या हम परमिशन लें, हम सेफ्टी डिपार्टमेंट से क्यों परमिशन लें। जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट कल्चर होता है वहाँ पे इश्यूज बनते हैं। जहाँ पे प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, आप बार बार हैमरिंग कर रहे होते हैं, आप पुशअप कर रहे होते हैं कि हमने सेफ्टी कल्चर को अडेप्ट करना है, हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है, तो इसमें इश्यूज़ ये आते हैं कि आपको डिनाई किया जाता है, आपको इग्नोर किया जाता है। बहुत सारे जो नीचे दाएं बाएं पीएस हैं जो नहीं चाहते कि सिस्टम चेंज हो, वो इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देते। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा किया है कि परमिट टू वर्क सिस्टम को थोड़ा सा अमेंड करके WAF फॉर्म मैंने इंट्रोड्यूस करवाया और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट थे उनको इस बात पर एग्री करवाया। वर्क एक्टिविटी फॉर्म थोड़ा सा हमने फ्लेक्सिबल किया। अब किसी एक सॉलिड चीज़ को पुश करते हैं, मोल्ड करते हैं, जो कि बहुत अरसे से एक ही रूटीन में चल रही होती है तो मुश्किल होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको मेल्ड करना पड़ता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मोल्ड करना पड़ता है। तो हमने क्या किया है, वर्क एक्टिविटी फॉर्म मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हुए ये इम्प्लीमेंट कर दिया है और माशाल्लाह से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, जब भी कोई एक्टिविटी होती थी हैजर्डियस, हमें पता ही नहीं होता था, सेफ्टी डिपार्टमेंट को इत्माद में नहीं लिया जाता था। हाँ, जब इंसिडेंट हो जाता था तो फिर हमें कॉल आ जाती थी कि यहाँ पे इंसिडेंट हो चुका है, आप फौरन टेकअप करें। इंसिडेंट फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमने ये WAF फॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, वर्क एक्टिविटी फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपकी स्क्रीन पे भी मौजूद है। तो आप भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस करना चाहते हैं, अगर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अडेप्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह की अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। अब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी WAF फॉर्म पे आइए, क्योंकि सबसे पहले अब हमारे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आता है या कंसर्न डिपार्टमेंट आता है, हम सबसे पहले उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, कितने दिन काम करना है, किस डेट से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, कौन सा काम करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, क्या एरिया बैरिकेड आपने किया हुआ है, क्या आपके पास PPEs मौजूद हैं। हम टोटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो सेफ्टी प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स को फुलफिल कर रहे हैं तो काम के लिए हम उनको अलाउ कर देते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे तो हम काम रोक देते हैं। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि अगर हम PTW सही तरीके से लॉन्च नहीं कर पाते तो इसको थोड़ा सा तब्दील करके WAF पे भी आ सकते हैं हमारी तरह। आज की वीडियो में इतना ही, फिर नई वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।